ओके गाइस, तो आज हमने बना लिया है चलचित्र टॉक्स के 2018 वाला सेटअप। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे ऑल टाइम फेवरेट टीवी शोज की। द की वर्ड हियर इज फेवरेट। दीज आर नॉट द बेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम, बट वैभव मुंजाल के फेवरेट शोज। सो अगर आपको गुस्सा आता है ये एपिसोड देख के, तो ज़रूर गुस्सा कीजिए, इनफैक्ट लड़ाई भी कीजिए कमेंट्स में, एंगेजमेंट बढ़ेगी, हमारे लिए अच्छा है। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, दीज आर माय फेवरेट्स, दीज माइट नॉट बी द बेस्ट। एंड बाय द वे, इन दिस वीडियो आई एम आल्सो गोइंग टू रिवील, ये सारी जो मैं रिकमेंडेशंस देता हूँ इनकी लिस्ट मैं अपलोड कहाँ करता हूँ, वेयर एम आई आर्काइविंग ऑल ऑफ दिस। स्पॉइलर अलर्ट, मैं ये लेटर बॉक्स पे नहीं करता, मैं एक दूसरी ऐप यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको एपिसोड में आगे बताऊँगा। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर 20 पे है द शो जो दुनिया का बेस्ट शो हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया का बेस्ट शो नहीं रहा। दिस शो इज़ कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड पर्टिकुलरली आई एम रिकमेंडिंग इट बिकॉज आई लव द सीजन 1, 2 and 3 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, बिकॉज थ्रू सीजन 1, 2 and 3 इस शो ने मेरे को इतनी इमेजरी, इतनी अच्छी यादें दे दी कि मैं आगे की कुछ गलतियाँ माफ़ करने के लिए रेडी हूँ। जो टीवी शो के इतिहास का जो 9/11 मोमेंट है, द रेड वेडिंग, वो मैं पहले 3 एपिसोड्स में देखता हूँ, एंड आज तक मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था यार, जब मैंने पहली बार देखा कि इस लेवल का आपको इमोशन फील कराया जा सकता है, इस लेवल का आपको सरप्राइज़ दिया जा सकता है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स इन गेम ऑफ थ्रोन्स। येस, इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, बट आई एम स्ट्रॉन्गली गोइंग टू रिकमेंड फॉर मी पर्टिकुलरली सीजन 1, 2 and 3 ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड उसी वजह से आज ये मेरे फेवरेट टॉप 20 शोज की लिस्ट में। मूविंग ऑन, नंबर 19 पे है एकरज अहमद का शो जिसका नाम है द नाइट ऑफ। ये एक मिनी सीरीज है जहाँ पे एक इंसान एक बहुत ही मिस्टीरियस लेडी को एक कार राइड देते हैं, एंड हाउ थिंग्स गो रॉन्ग फ्रॉम देयर। एंड आई रियली रियली लाइक दिस शो, एंड पर्टिकुलरली दी पायलट एपिसोड ऑफ इट, क्योंकि पायलट एपिसोड में देख रहा था, उन्हें कहा वाह क्या नज़ारा है, कितना मज़ा आ रहा है, इट इज़ सो डिफरेंट एंड एवरीथिंग सीम्स सो ग्रिम। बहुत ही प्यारे तरीके से मेलंकली के इमोशन को दिखाया गया था, आई वॉज लविंग इट, बट ये शो कहीं और ही चला जाता है। रिज अहमद के लिए, जॉन टर्टरो के लिए ये शो आपको ज़रूर देखना है। जुडिशरी सिस्टम किसी कंट्री का कितना स्लो हो सकता है, अगर एक इंसान की लाइफ में कुछ गलत होता है तो जो उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं वो कितना यूनिवर्सल है, एंड हाउ स्लो द होल प्रोसेस यू कैन गेट टू सी इन द नाइट ऑफ। ब्यूटिफुल शो, प्लीज डेफिनेटली वॉच इट, इट इज़ ऑन नंबर 19 ऑन माई लिस्ट। नंबर 18 पे है अ शो कॉल्ड आई मे डिस्ट्रॉय यू, मेड बाय मिकेला कोयल। मिकेला कोयल ने इसमें आरबेला का रोल प्ले किया, एंड दिस शो टॉक्स अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट। सो ये शो मेरे को इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका टॉपिक बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बट दिस शो नेवर बिकम्स प्रीची, हमेशा स्टोरी टेलिंग को ही पेडेस्टल पे रखा गया। सो इवन व्हेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक हाउ बाउंड्रीज वर्क, विक्टिम्स बीइंग प्रेडेटर्स, जब आप ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे देखते हो, बहुत ही डेलिकेसी के साथ इनको दिखाया गया है, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये शो प्रीची हो रहा है। और ये पुल ऑफ कर लेता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ही मुश्किल है, एवरीथिंग इज स्टोरी फर्स्ट, एंड दैट इज़ वाई इस टॉपिक को लेके, द टॉपिक ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को लेके मैं इस शो से बहुत ज़्यादा सीखा हूँ, बिकॉज कभी भी आपको सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा था, पहले ही आपको एक अच्छी स्टोरी देने की कोशिश कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड आई मे डिस्ट्रॉय यू, एंड इट इज़ ऑन नंबर 18 ऑन माई लिस्ट। मूविंग ऑन, नंबर 17, नंबर 17 पे है अ शो कॉल्ड द बेयर। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज था जो मैंने पिछले साल देखा था, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द सीजन 2 जो कुछ महीनों में आने वाला है। इसमें लीड रोल प्ले किया जेरेमी एलन वाइट ने, हु प्लेज द रोल ऑफ कारमेन। सो कारमेन को बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन हिज लाइफ अपना फाइन डाइनिंग वर्ल्ड छोड़ के आना पड़ता है और अपने फैमिली बिजनेस को रन करना पड़ता है। ये शो मेरे को चलचित्र टॉक्स की याद दिलाता है, बिकॉज मेरे को लगता है हम लोग भी चलचित्र टॉक्स ऐसे ही रन कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ बहुत ही पैशनेट लोग एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं तो बहुत ही रिलेट किया था इससे, बिकॉज एक स्मॉल स्केल लेवल पे व्हेन पीपल आर एक्सट्रीमली पैशनेट, किस टाइप के कन्फ्लिक्ट आते हैं, किस टाइप की इनसिक्योरिटीज़ आती है, व्हेन दे हैव अ लीडर जिसकी लाइफ के खुद के इशू हैं, बट ही इज़ ट्राइंग टू शो अप टू वर्क एवरी डे एंड ट्राइंग टू गिव हिज टीम रीजन्स टू बिलीव इन हिज लीडरशिप। बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है इसमें। सो द लेवल ऑफ ऑब्सेशन अ पर्सन कैन हैव फॉर हिज वर्क,
यू गेट टू सी इट ब्यूटिफुली डन इन द बेयर. द बेयर में एक मोनोलॉग है जेरेमी एलन व्हाइट का, मेरे को कभी भी दिखा दो मैं रो दूंगा उसको देख के. एंड लाइक इट कम्स वेरी लेट इन द शो. तब तक यू विल बी वेल अक्वेंटेड विद द वर्ल्ड, यू विल बी वेल अक्वेंटेड विद द कैरेक्टर्स. एंड देन व्हेन यू गेट टू सी कार्मेन प्लेड बाय जेरेमी एलन व्हाइट डिलीवर दैट मोनोलॉग परफेक्टली, अ वन टेक मोनोलॉग, मतलब आप लाइक यू विल हैव शिवर्स डाउन योर बॉडी. सो आपको द बेयर जरूर देखना है. And it is on number 17 on my list. Moving on, number 16. On number 16, एक इंडिया का शो है जो मेरे को बहुत पसंद है एंड इसका नाम है पंचायत. पंचायत इज मेड बाई TVF. इसके डायरेक्टर है दीपक कुमार मिश्रा, लिखा है चंदन कुमार ने, विच इज स्टारिंग जितेंद्र कुमार. बहुत ही ज़्यादा प्यारा शो है यार ये. एंड लाइक सीजन 2 तो मेरे लिए मतलब 9/10 शो को 10/10 पे ले गया था. पंचायत कहानी है अभिषेक की, जिन्हें लगता है कि जो वो लाइफ में डिजर्व करते हैं उन्हें मिला नहीं, उनकी जॉब भी अच्छी नहीं लगती, तो वो एक छोटी सी जॉब ले लेते हैं जहाँ पे वो एक सचिव का रोल प्ले करते हैं एक छोटे से गाँव में जिसका नाम होता है फुलेरा. आप वहाँ पे उनकी डेली लाइफ देखते हो, द प्रॉब्लम्स ही इज फेसिंग, द कन्फ्लिक्ट्स ही हैज, एंड हाउ ही बिफ्रेंड्स पीपल इन दैट स्मॉल विलेज. ही नेवर वॉन्ट्स टू बी देयर, बट अब हैं तो क्या करें. ये बहुत ही प्यारा शो है एंड ये आपको हंसाएगा भी रुलाएगा भी, मतलब इट विल मेक यू फील अ लॉट ऑफ इमोशंस. छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, जो आपकी जिनके बारे में कभी सोचते नहीं, कि यार अगर कोई गांव में है तो हमने आज तक ऐसी मूवीज देखी हैं, शोज देखे हैं जहाँ पे कुछ टिपिकल प्रॉब्लम दिखाई जाती हैं, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी. पंचायत की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है, स्टीरियोटाइप्स बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक करते हैं. सो जब आप एक गांव इमेजिन करते हो, सो आपके दिमाग में जो 4-5 विजुअल्स आएंगे कि ये प्रॉब्लम होती होगी, ये प्रॉब्लम होती होगी, पंचायत गोज अ स्टेप अहेड, अ माइल अहेड टू शो कि नहीं यार इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड उन छोटी चीज़ों को किस सटल्टी के साथ दिखाया गया है is the biggest reason why I love Panchayat. On number 15, we have a Phoebe Waller-Bridge show called Fleabag. Fleabag की भी मेरे को सबसे खास बात यही लगती है, 1 में 9/10 है, 2 में ये अलग लेवल पे शो को ले जाते हैं. This is something I in general feel about a lot of things, और इसके बारे में मेरे को एक दिन एक वीडियो ऐसे भी बनाना है कि यार बहुत सारे क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स जब सीजन 1 में एक आइडिया को टेस्ट करते हैं और जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो सीजन 2 में और वाइल्ड चले जाते हैं. And that is what happens in the show Fleabag. Fleabag mein you see Phoebe Waller-Bridge play the role of Fleabag and you see ki how Phoebe Waller-Bridge uses humor in those awkward moments when there is nothing to say, when she is feeling very overwhelmed. So her time pe she has something very witty to say, but yet she has a lot of problems, a lot of trauma. एंड इन सारी चीज़ों को एक बहुत ही कॉमिक वे में आप Fleabag में देखेंगे. Fleabag के सीजन 2 में एक बहुत ही प्यारा एलिमेंट है, एंड दैट एलिमेंट इज़ एंड्रू स्कॉट, जिन्होंने शर्लॉक में जिम मोरियार्टी का भी रोल प्ले किया था. वो एक प्रीस्ट का रोल प्ले करते हैं सीजन 2 में, एंड Phoebe Waller-Bridge फॉल्स इन लव विद दिस प्रीस्ट. ओ हो, एक प्रीस्ट के साथ प्यार हो जाता है. सो हाउ डू थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड आफ्टर दैट. नाउ लेट्स कम टू नंबर 14. नंबर 14 पे है अ शो बाय बिल हिडर कॉल्ड बैरी. बैरी हैज द क्रेजीएस्ट वन लाइनर. बैरी का वन लाइनर है, एक असैसिन जिसका काम होता है लोगों को मारना, डिस्कवरिंग हिज लव फॉर एक्टिंग. यार मतलब ये दो ऐसे यूनिवर्सेस को इसमें मीट कराया ना, कि एक बंदा यार जो उसको बस सुबह शाम ये चलता है, आज इसका उसके पास आ जाता है, ओके दिस इज अ पर्सन यू हैव टू किल, दिस इज अ पर्सन यू हैव टू किल, एंड दैट पर्सन डिस्कवरिंग अ कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड. Oh shit, I can be an actor. और उसके बाद वो एक्टिंग में अपने इमोशंस कैसे लेके आता है, बाय रिमेम्बरिंग द पीपल ही हैज किल्ड. ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो बैरी में दिखाई हैं, दे मेक इट अ वेरी यूनिक शो. आई लव बैरी बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस एंड इट्स अ वेरी वेरी सेल्फ अवेयर शो. क्योंकि जब एक्टिंग और फिल्म मेकिंग वाली चीज़ें जब आप कैमरा पे दिखाते हो, जब आप शोज और मूवीज में दिखाते हो ना, इट्स ऑलवेज अ लिटिल मोर ट्रिकियर कि आप सेल्फ इंडल्जेंट कैसे ना हो. And Barry never gets self-indulgent. Or in fact, Barry जो tropes होते हैं TV से related, movie से related, acting से related, उनको बहुत ज़्यादा सही तरीके से दिखाता है. In fact, in season 3, there is a scene in Barry जहाँ पे एक इंसान का show cancel हो जाता है because it did not have certain TV show elements in it जो होने चाहिए, जो algorithm कहता है होने चाहिए. And imagine एक show which is anyway about somehow about filmmaking and the world of acting, उसमें ये वाली चीज़ें दिखाई जा रही है, नहीं यार आपका show इसलिए नहीं चलेगा. तो बहुत मेटा हो जाती हैं चीज़ें. एंड बिल हिडर एक तो क्या खतरनाक एक्टर है, और उन्होंने जिस लेवल की राइटिंग की है, जिस लेवल का डायरेक्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल है. इट्स अ पिटी कि इट डजेंट विन एज मच अवार्ड्स एज इट शुड, बट मेरे फेस पे हमेशा एक स्माइल आ जाती है एवरी टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट बैरी. ज़रूर देखना चाहिए गाइस आपको.
On number 13 is a show by Apple TV called Severance. Severance को बनाया बेन स्टिलर ने. बेन स्टिलर का जो मैंने एक काम देखा हुआ था वो था म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर. और मेरे को लगता था कि यार बेन स्टिलर ठीक है, एक टाइप के एक्टर हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट लाइक आई डिडंट फील एनीथिंग अबाउट बेन स्टिलर. बट देन बेन स्टिलर आते हैं और वो सेवरेंस बना देते हैं. आई एम लाइक भाई ये क्या कर गया. बेसिकली सेवरेंस में आप एक सर्जरी के थ्रू अपनी मेमोरीज ऑफ वर्क और पर्सनल लाइफ को डिसोसिएट कर सकते हो. तो आप दो अलग अलग लाइफ जीते हो. जब आप ऑफिस काम करने जाते हो, सो द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ ऑफिस, आपको ऑफिस लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा अनटिल यू स्टेप इन द ऑफिस अगेन. और जैसे ही आप पर्सनल लाइफ छोड़ते हो, आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा अनलेस यू कम टू द पर्सनल लाइफ अगेन. वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट, वेरी डिफिकल्ट टू पुल ऑफ, बट उन्होंने लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा है. दैट इज द फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन वन. इसका सीजन टू भी आने वाला है एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड टू वॉच इट. सेवरेंस जरूर देखें गाइस. इट इज ऑन नंबर 13 ऑन माई लिस्ट. ऑन नंबर 12 इज अनदर इंडियन शो दैट आई रियली लव. ये प्राइम वीडियो का एक शो है जिसका नाम है पाताल लोक. मैंने पाताल लोक जब देखा ना, मैंने कहा भाई मैंने इंडिया में इस लेवल का तो कोई शो ही नहीं देखा है. इट स्टिल ब्लोज माई माइंड दैट इट एग्जिस्ट्स, क्योंकि इसमें जितने एक्सट्रीम में चीज़ों को दिखाया है रिलेटेड टू रिलीजन, रिलेटेड टू कास्ट, वो रुके ही नहीं भाई, वो दिखा रहे हैं. और मैं ऐसे डर डर के देख रहा था बिकॉज मैंने पाताल लोक बहुत लेट देखा था. एंड व्हेन आई वाज वाचिंग ये एग्जिस्ट करता है, इसको हटाया नहीं गया. लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट इट इज स्टिल अवेलेबल फॉर पीपल टू वॉच. अगेन अ शो विच कीप्स राइटिंग ऑन द पेडेस्टल. सबसे ज़्यादा इज्जत राइटिंग को देते हैं और जब भी ये होता है ना तो बाकी चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं. एक्टिंग भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. जयदीप अलावत की, अभिषेक बैनर्जी की, ग्रेट राइटर्स, ग्रेट कैरेक्टर्स. एंड अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपको ये शो पर्टिकुलरली देखना चाहिए. और अगर आप एक डॉग लवर नहीं हैं तो पक्का ही देखना चाहिए. सो पाताल लोक इज़ अ शो दैट मतलब ऐसे गर्व होता है कि इंडिया में बना है. एंड मैं सबको रिकमेंड करूँगा वो देखें. पाताल लोक इज़ ऑन नंबर 12 ऑफ माई फेवरेट शोज ऑफ ऑल टाइम. नंबर 11 पे है एक मिनी सीरीज HBO की जिसका नाम है ऑलिव किटरिज. HBO के साथ ना मेरे को लगता है मैं एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा हूँ पिछले कुछ सालों में, और वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप HBO के साथ रहा है. बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप रहा है. मतलब जैसे मेरा एक HBO शो ख़त्म होता है मैं दूसरे पे मूव इन कर जाता हूँ. इनफैक्ट मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा वेयर आई राइट अ लव लेटर टू HBO कि भाई लाइफ काफ़ी शॉर्ट की HBO ने मेरी. सिमिलरली ऑलिव किटरिज एक बुक पे बेस्ड है. इसमें फ्रांसिस मैकडॉर्मंड ने मेन कैरेक्टर का रोल प्ले किया है. दैट इज़ ऑलिव किटरिज जो एक रिटायर्ड टीचर होती हैं. काफ़ी कॉन्डिसेंडिंग उनका एक स्टाइल होता है बात करने का, लोगों को ताने मारती हैं, खुद परेशान है अपनी लाइफ से. मैरिड लाइफ भी उनकी कुछ अच्छी नहीं चल रही, काफ़ी परेशानी है उनकी लाइफ में. सो हाउ डज शी गो अबाउट थिंग्स, उनकी वजह से बाकी लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, वो खुद अपनी एनजाइटी के साथ कैसे से डील कर रही हैं, एंड एक छोटे से टाउन में रहती हैं वो. सो एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को पिक किया गया है, बट इट्स नॉट सिंपल एट ऑल बिकॉज जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इमोशन आप इस शो में देखोगे, इट स्टिल ब्लोज माई माइंड. आई स्टिल रिमेंबर ऑलिव किटरिज में एक सीन है जहाँ पे शी इज़ हैविंग अ टॉक विद हर सन, और उसका लाइक बेटा बोल रहा है नहीं नहीं मेरी थेरेपिस्ट ने कहा आप हमेशा ये करते हो. एंड लाइक वो अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को पता है मम्मी मेरे थेरेपिस्ट ने कहा यू शुडंट डू दिस, लाइक मेरे को बोला था वो आप ऐसे करोगे. सो बिकॉज वेन यू रियलाइज कि लाइक वेन यू आर टेलिंग द पेरेंट कि ही आई एम टेकिंग थेरेपी बिकॉज ऑफ यू. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलिव किटरिज में दिखाई गई हैं. एंड इवेंचुअली दिस शो इज़ ऑल्सो अबाउट एजिंग, कि जब आप इतने बड़े हो जाते हो कि यू आर लुकिंग फॉर रीजंस टू लिव. ऑलिव किटरिज पोर्ट्रेज दैट ब्यूटिफुली. बहुत प्यारा शो है. चलचित्र मूवी क्लब जब इनिशियल डेज में था ना, वी यूज टू हैव दिस रूल. लाइक मैंने एक बार एक स्नैपशॉट भी डाला था उसका कहीं, कि अगर आपने ऑलिव किटरिज नहीं देखा है तो यू शुडंट बी इन दिस ग्रुप, इन अ वेरी जोकिंग वे, क्योंकि हम सबको इतना पसंद था. दैन वी यूज टू ऑब्सेस ओवर इट एंड आई स्टिल डू. इट इज़ ऑन नंबर 11 ऑफ माई फेवरेट शोज ऑफ ऑल टाइम. गाइज अब हम टॉप 10 में आ रहे हैं. टॉप 10 से पहले कुछ बातें कर लेते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि यार मैं मेरी लिस्ट लेटर बॉक्स पे नहीं डालता. सो आई नाउ वांट टू रिवील वेयर आई पुट ऑल दीज लिस्ट.
सो एक ऐप रिकमेंडेशन है, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, इसका नाम है नोकियो। नोकियो की मेरे को सबसे खास बात ये लगती है कि नोकियो पे आप मूवीज़ के अलावा शोज़ भी अपडेट कर सकते हो। यू कैन अपडेट शोज़, शॉर्ट फिल्म्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। नोकियो काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है एज़ कम्पेयर टू लेटरबॉक्स्ड। यहाँ पे बेसिकली अगर आप मेरे को फॉलो करोगे और मान लो मैंने एक शो है ऑलिव किटरेज, उसको अगर मैंने 9.1 रेटिंग दी है, सो आपको उसकी रेटिंग 9.1 दिखेगी। बट अगर आप किसी और को फॉलो करोगे और जिसने उसको राइटिंग 6 दी है, तो आपको उसकी रेटिंग 6 दिखेगी। टेक्निकली आप जिन लोगों को फॉलो करते हो उसकी कंपाइलेशन आपको देगा। नोकियो इज एन ईजी वे टू रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड अमंग योर क्लोज ग्रुप ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो चैट एंड क्रिएट ग्रुप्स विद फ्रेंड्स हियर। सो जल्दी से जाके मेरे को नोकियो पे फॉलो करो, मेरी वहाँ पे लिस्ट देखो, और जो पहले 100 लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो करेंगे और मेरे को मैसेज भेजेंगे, मैं सबको एक एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दूंगा। आपको बस मेरे को जॉनर लिख के भेजना है कि आपको किस में लाइक रिकमेंडेशन चाहिए, तो मैं ये देख के इनकी लाइफ में ये चल रहा है, इनको इस जॉनर की चाहिए, सबको एक एक रिकमेंडेशन दूंगा। और नोकियो का लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, डू चेक इट आउट गाइस। मैं बता रहा हूँ, देर इज़ अ रीज़न वाई आई लव दिस ऐप, और जब आप खोलोगे आपको भी समझ आ जाएगा। लेट्स गेट बैक टू द वीडियो नाउ। टॉप 10 में आ गए गाइस, थिंग्स आर अबाउट टू गेट इंटरेस्टिंग, और अब मेरी स्माइल और पैशन भी बढ़ता जाएगा क्योंकि टॉप 10 है। नंबर टेन पे है दी अजीज अंसारी शो मास्टर ऑफ नान, पर्टिकुलरली मास्टर ऑफ नान सीजन 2। अगर आपको मॉडर्न डे रोमांस समझना है ना कैसे ऑपरेट करता है, मास्टर ऑफ नान इज द शो फॉर यू। कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल मीडिया की वजह से, एजिंग की वजह से, अगर आप 30+ होते हो तो रोमांस कैसा होता है, एंड अगर आप मल्टीपल डेट्स पे जाते हो एंड देन इफ यू मीट योर एक्स क्या होता है, तो यहाँ पे सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाए गए हैं एंड बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है रोमांस को इस शो में। मास्टर ऑफ नान सीजन 2 इज अजीज अंसारी सेइंग यू बेटर टेक मी सीरियसली एज अ फिल्म मेकर ऑल्सो। मेरे को याद है जो मूनलाइट के जो डायरेक्टर है बैरी जेंकिंस, उन्होंने जब सीजन 2 एपिसोड 5 आया था, उसके बाद एक बहुत लंबा थ्रेड लिखा था अजीज अंसारी के बारे में कि भाई क्या फिल्म मेकिंग में मचा रहा है यार, आप उसको कॉमेडियन के जैसे देखते हो, एक्टर के जैसे देखते हो, डजंट मैटर, ये बंदा फिल्म मेकर के जैसे मचा रहा है। मास्टर ऑफ नान में अगर आपको फिल्म मेकिंग का मतलब प्राइम एक्सपीरियंस करना है ना, सी एपिसोड 9 एंड 10। एंड मेरा जो फेवरेट एपिसोड है जो मैं बहुत बार देखता हूँ मास्टर ऑफ नान का, वो है सीजन 2 एपिसोड 4 विच इज़ फर्स्ट एड। लाइक आई कैन टॉक एंडलेसली अबाउट मास्टर ऑफ नान, और लाइक आई सेड कि अभी ये 10 में जितने लाइक शोज हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। यू हैव टू वॉच मास्टर ऑफ नान। लव में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना, सो भी दिस शो इज़ फॉर यू, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑल लवी डवी, इट इज़ अबाउट वाई थिंग्स आर नॉट दैट लवी डवी। So go and watch Master of None, and it is on number 10 on my favorite shows of all time. Now let's get to number 9. नंबर 9 इज़ अ शो कॉल्ड चर्नोबिल। इसको बनाया क्रेग मेज़न ने, जिन्होंने Hangover 3 की स्क्रिप्ट लिखी थी। काफ़ी वियर्ड है बट ट्रस्ट मी गाइस, ये बंदा अभी कुछ ज़्यादा ही मचा रहा है लाइफ में, क्योंकि मैं 9 के बाद एक 8.5 रिकमेंडेशन दूंगा एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन 1986 इन द सिटी ऑफ चर्नोबिल, दुनिया का सबसे खतरनाक मैन मेड न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गया था एंड चर्नोबिल इज़ अ शो अबाउट दैट। एंड 5 एपिसोड्स का एक शो है, एवरी एपिसोड इज पिच परफेक्ट, कोई ऐसा नहीं है ये थोड़ा वीक रह गया, ये 5 मिनट ज़्यादा, सब परफेक्ट है इसमें। क्रेग मेज़न इज अ गाय हु नोज हाउ टू शो अपोकलिप्स, प्री अपोकलिप्स, पोस्ट अपोकलिप्स। उनको पता है कि अगर चीज़ जब ख़राब होती है और जब बहुत बड़े स्केल पे ख़राब होती है, सो उसका प्री कैसे दिखाते हैं, करंट कैसे दिखाते हैं, पोस्ट कैसे दिखाते हैं। चर्नोबिल इज़ अ शो, 5 घंटे लगेंगे आपको और 5 घंटे से भी थोड़े कम लगेंगे देखने में। इसको देख जाओ और फिर मेरे को बताओ आपको कैसा लगा। और चल चित्र को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, देन यू वुड नो अबाउट द मास्टरी ऑफ दिस शो, बिकॉज आई स्पीक अ लॉट अबाउट इट एंड राइटली सो, बिकॉज इट डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। यू हैव टू वॉच चर्नोबिल गाइस, इट इज़ ऑन नंबर 9 ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट शोज। Now, like I said, there is a number 8.5. Number 8.5 इसलिए क्योंकि अभी इस शो के सिर्फ 4 एपिसोड आए हैं। इस शो का नाम है द लास्ट ऑफ अस। द लास्ट ऑफ अस को मैं लगता है मेरे को अगर मैं इसको एक सीजन के बाद बनाता हूँ तो पक्का टॉप 5 में होता है। भाई ये मचाए जा रहे हैं। इस शो को बनाया क्रेग मेज़न ने और जो ओरिजिनल द लास्ट ऑफ अस के जो गेम के क्रिएटर हैं उन्होंने। द लास्ट ऑफ अस इज अबाउट पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जहाँ पे चीज़ें ख़राब जा चुकी हैं एंड हाउ
someone is trying to make sure that the other person is safe. मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा इशू के बारे में क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है. मेरे को 4 एपिसोड तक की नॉलेज है. हमारा एक स्पॉयलर्स ग्रुप है चलचित्र मूवी क्लब का, जहाँ पर मैंने एक रूल बनाया हुआ है, बेटा गेम खेला है ना तो कुछ बोल मत देना, क्योंकि मैंने गेम नहीं खेला है और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड आई वॉन्ट टू एन्जॉय इट लाइक वेरी वेरी properly. अभी कुछ दिनों में इसका अगला एपिसोड आने वाला है, सो इट हैज़ मेड माई मंडेज मोर एक्साइटिंग. मंडेज विल कंटिन्यू टू बी एक्साइटिंग बिकॉज जैसे ही खत्म होगा एक और शो आएगा उसके बाद HBO का. सो या द लास्ट ऑफ अस इज अ शो जहाँ पे द एसेंस ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी अलाइव हैज़ बीन कैप्चर्ड परफेक्टली. इसका जो अभी episode 3 आया था, दे हिट अ होम रन विद इट बिकॉज नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट. जिन्होंने गेम खेला है नहीं खेला है, एग्जिस्टिंग स्टोरी टेलर्स, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो क्या करेंगे episode 3 में. आई थिंक वो 1 घंटे 20 मिनट का एक एपिसोड है. इट विल मेक यू क्राई लाइक अ बेबी क्योंकि जो उसमें एक प्यार की कहानी दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है वो. सो यू हैव टू वॉच द लास्ट ऑफ अस और साथ में देखते हैं लाइक मैं एक वीडियो भी बना दूंगा लास्ट ऑफ अस पे अलग से अगर बोलोगे तो, उसको अपन थ्रेड के जैसे यूज़ करेंगे जहाँ पे अपन लास्ट ऑफ अस की बातें करते रहेंगे. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन 8.5. नंबर 8 पे है ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट शोज, अ शो कॉल्ड द लेफ्ट ओवर्स. द लेफ्ट ओवर्स इज अ शो जिसको देखने में मेरे को बहुत साल लग गए थे क्योंकि मैं जब भी चालू करता था मैं बहुत सैड होता था और मेरे को लगा नहीं 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 सैड हो तो ये शो नहीं देख सकते. तो एक दो बार मैंने ट्राई किया, आई एम लाइक शिट शिट ये तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग शो है. एंड इट इज़ दिस शो इज़ अबाउट वॉट यू डू वेन समवन लीव्स यू, हाउ यू लिव विद द एब्सेंस ऑफ दैट पर्सन इन योर लाइफ. इसमें एक सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट दिखाया है विच माइट नॉट बी सुपर नेचुरल आफ्टर ऑल. एंड दिस शो इज़ अबाउट ग्रीफ, हाउ यू डील विद ग्रीफ, हाउ डिफरेंट पीपल हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स ऑफ डीलिंग विद ग्रीफ. इसकी जो लीड है कैरी कोन, ओहो मेरे को इतनी पसंद है, मैंने उनको 2 बार DM भी किया हुआ है कि मेरे को उनको चलचित्र टॉक्स पे लाने हैं और मैं एक दिन ला के रहूँगा. इट जस्ट लाइक पुट्स मी इन सम स्पेस जहाँ पे आई एम नॉट दी हैप्पीएस्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी सैड. इट्स अ वेरी हिप्नोटिक स्पेस दैट आई गेट इन टू एवरी टाइम आई टॉक और एवरी टाइम आई थिंक अबाउट द लेफ्ट ओवर्स. आईड हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच इट. एंड रोहन जोशी भी इसके बारे में बहुत बात करते हैं, जब वो आए थे हमने उनसे भी बात की थी इसके बारे में. ही रिसेंटली पोस्टेड लाइक स्टोरी ऑल्सो अबाउट इट कि बेटा लास्ट ऑफ अस में मज़ा आ रहा है तो जाके एक बार लेफ्ट ओवर्स भी देख लो. एंड आई विल से द सेम थिंग, दिस शो इज़ ऑन नंबर 8 ऑन माई लिस्ट ऑफ माई फेवरेट शोज ऑफ ऑल टाइम. ना नंबर 7, नंबर 7 पे है अ शो दैट आई विश आई वुड हैव वॉच सूना. मेरे को बड़ा बोलते थे लोग ये एक गिल्ट है मेरे को इस शो के लिए, मैंने जल्दी नहीं देखा और जल्दी देख लेना चाहिए था. इस शो का नाम है मिस्टर रोबोट, जिसमें लीड रोल प्ले किया है रामी मलिक ने. मिस्टर रोबोट हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग, अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग. मैंने मिस्टर रोबोट इसलिए नहीं देखा था, जो एक बहुत बड़ी गलती थी पहले, कि यार एक हैकर की कहानी होगी तो वो हैकिंग वाली चीज़ें दिखाई होंगी, कंप्यूटर्स रिलेटेड होगा, बहुत ज़्यादा कोडिंग रिलेटेड होगा. बट दिस शो इज़ सो मच मोर देन दैट. रामी मलिक ने हर एपिसोड में मचाया है एंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इंट्रोवर्जन, द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड करप्शन जैसे शो में दिखाए गए हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस शो ऑल्सो हैज़ वन ऑफ माई फेवरेट विलन्स ऑफ ऑल टाइम. इस विलन का नाम है वाइट रोज एंड द एंडिंग ऑफ द शो हैज़ अ वे टू मेक यू फील लाइक मल्टीपल इमोशंस एट द सेम टाइम. मेरे लिए एंडिंग इस शो को कहीं और ही ले गई थी. उससे पहले था कि आई लव दिस शो, बट जब मैंने एंडिंग देख लिया ना ओहो थोड़ा टाइम लगेगा आपको एंडिंग ना अप्रिशिएट करने में, बट लाइक यू विल बी लाइक भाई ये तो कहीं और ही ले गए. देखो यार मिस्टर रोबोट वन ऑफ माई फेवरेट शोज एंड दैट इज़ वाई मिस्टर रोबोट इज़ ऑन नंबर 7 ऑन माई लिस्ट ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट शोज. नाउ व्हाट्स ऑन नंबर 6? नंबर 6 पे है अ शो मेड बाय विंस गिलिगन. इस शो का नाम है ब्रेकिंग बैड. सो ब्रेकिंग बैड इज़ अ शो वेयर यू सी द स्टोरी ऑफ वॉल्टर वाइट एंड वॉल्टर वाइट. क्या बताऊँ यार आपको ब्रेकिंग बैड के बारे में, मैं क्या स्टोरी बता रहा हूँ, पता है आपको ब्रेकिंग बैड क्या है ना. ब्रेकिंग बैड ना टीवी शोज़ के इतिहास का BC to AD इवेंट था कि लोगों को पता चला कि आप कैरेक्टर्स को कहाँ लेके जा सकते हो आफ्टर दे सॉ की ब्रेकिंग बैड में जो वॉल्टर वाइट के साथ हुआ. क्योंकि उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ शोज आई है ना पूरी दुनिया में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई एंड दिस शो हैज़
some great characters, everything about the universe of this show, जो drug cartel दिखाया है, जो emotions दिखाए हैं, जो pizza places दिखाई हैं, everything is great about this show. इसमें भी one of my favorite villains है, जिसका नाम है Gustavo Fring. वो भी like a cherry on the cake है. For me, मेरा favorite like Breaking Bad season था season 4 and particularly the last episode of season 4, which is Face Off. ओहो अभी भी याद है मेरे को उसके एपिसोड के बारे में सब कुछ एंड टू एंड. एंड देर इज़ दिस एपिसोड ओज़िमैंडियास तो सबका फेवरेट है, बट मेरा एपिसोड जो फेवरेट है वो ओज़िमैंडियास से एक या दो पहले आता है, विच इज़ एक या दो बाद भी आ सकता है शायद, विच इज़ कॉल्ड ग्रे नाइट स्टेट. ग्रे नाइट स्टेट का जो लास्ट सीन है, दैट सीन हैज़ एवरी थिंग विच कैन बी पॉसिबली देयर इन अ परफेक्ट फिल्म मेकिंग सीन. Yeah, like I revisited a lot, like again उसके बारे में कुछ और बनाएंगे. अभी ज़्यादा रोना रोना नहीं करना मेरे को, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिल के करीब है ग्रीन नाइट स्टेट. सो ब्रेकिंग बैड इज़ ऑन नंबर 6 ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट टी वी शोज गाइज. चलो गाइज नाउ वी आर इन द टॉप 5. उससे पहले कुछ स्पेशल मैंशंस दे देते हैं. मैं सिर्फ नाम बोलूँगा, ये सारे शोज़ बहुत ही महान हैं. सो कुछ ना कुछ मेरे को लगा होगा जिसकी वजह से मैंने इन्हें नहीं डाला लिस्ट में, बट दीज आर ऑल्सो ग्रेट रिकमेंडेशंस. एंड सम ऑफ माई स्पेशल मैंशंस आर वाइट लोटस, रामी, मैडमैन मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ, दैट इज़ वाई इट इज़ इन स्पेशल मैंशंस, हाउस ऑफ द ड्रैगन, हाउस ऑफ कार्ड्स, वॉचमैन, शर्लक का सीजन 2, ब्लैक मिरर के कुछ एपिसोड, लव डेथ एंड रोबोट्स, रिक एंड मॉर्टी, बोजैक, फार्गो का सीजन 2, स्कैम 1992. सो ये ना मेरे स्पेशल मैंशंस. अब आप लड़ाइयाँ कर सकते हो कि ये लिस्ट में क्यों नहीं है, बट लाइक फॉर वॉट एवर रीजन्स दे आर नॉट देयर. मैंने दुनिया का हर शो अभी कंप्लीट नहीं किया है. मैं टॉप 5 में जाने से पहले बता देता हूँ, मेरा द वायर अभी तक कंप्लीटेड नहीं है. मेरा बैंड ऑफ ब्रदर्स भी, आई थिंक कि जब से मैंने फिल्म मेकिंग की इज्जत करना सीखा है, जब मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखा है, मैंने बैंड ऑफ ब्रदर्स उतना प्रॉपरली नहीं देखा. सो बैंड ऑफ ब्रदर्स इज ऑल्सो नॉट इन दिस लिस्ट. बट जो मैंने स्पेशल मैंशंस दिए, दीज आर ऑल ग्रेट शोज. एंड फ्यूचर में मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा जहाँ पे ये जो मैंने सी शोज नहीं देखे उनको भी ऐड करूँगा. बट अब वक्त आ गया है टॉप 5 में एंटर करने का. ऑन नंबर 5 ऑफ माई ग्रेटेस्ट शोज ऑफ ऑल टाइम इज शार्प ऑब्जेक्ट्स. शार्प ऑब्जेक्ट्स इज बेस्ड ऑन अ बुक by the same name, and इसको direct किया John Mark-Welle ने. John Mark-Welle की कुछ time पहले death हुई थी, and one of the guilts I have is that I haven't given a proper tribute to the death of John Mark-Welle. John Mark-Welle is a filmmaker I aspire to be like. मेरे को लगता है कि एक जब आप ना स्पिरिट एनिमल ढूंढते हो ना, फॉर मी डिस्कवरिंग John Mark-Welle was that. वो पहला बंदा था जो मेरे को लगा मैं तो पिक्चर बनाने से पहले म्यूजिक ढूंढूंगा फिर पिक्चर बनाऊंगा, मेरे को म्यूजिक के ऊपर पिक्चर बनानी है. उनका स्किल सेट एनी वे ए प्लस है, बट उन्होंने शार्प ऑब्जेक्ट्स में यूजिंग म्यूजिक, यूजिंग साउंड ट्रैक्स, जिस लेवल पे एक टेंशन भरी स्टोरी को एलिवेट किया है, इट विल गिव यू गूज़बम्प्स. इस शो में जो लीड एक्टर है उनका रोल प्ले किया एमी एडम्स ने, एंड एमी एडम्स इज एन अल्कोहलिक इन इट. एमी एडम्स हैज मॉमी इश्यूज इन दिस शो. एमी एडम्स इज विजिटिंग उनके बचपन का टाउन जहाँ पे उनकी अच्छी मेमोरीज नहीं है इन दिस शो. सो शार्प ऑब्जेक्ट्स इज अ मिनी सीरीज जिसके सिर्फ 7 या 8 एपिसोड है. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में, बट रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा. और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो भूलना मत, बहुत लोग गलती कर देते हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखते, आपको जरूर देखना है. एंड येस, वन डे आई विल मेक अ प्रॉपर ट्रिब्यूट वीडियो फॉर John Mark-Welle. ही इज अ फिल्म मेकर लाइक आई वॉन्ट टू बी लाइक. सो दिस वॉज माई शो ऑन नंबर 5. मूविंग ऑन टू नंबर 4. ये वाला कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, बट इट इज अ शो दैट आई ह्यूजली लव. दिस शो इज कॉल्ड लुई, मेड बाय लुई सीके. नाउ लुई सी के गॉट कैंसल्ड लाइक सम ईयर्स बैक, बट मैंने बड़ी कोशिश किया है. दुनिया में बहुत कॉमेडियंस को लाइक करता हूँ, बहुत आर्टिस्ट को लाइक करता हूँ, बट आई थिंक देर आर स्टिल ओनली अ फ्यू पीपल हु कैन मेक मी लाफ लाइक लुई सी के. एंड बहुत मैं देखता हूँ यार इधर उधर से चीज़ें, बट लुई सी के अलग लेवल पर हिट करते हैं. जब मैंने समय रैना के साथ एपिसोड किया था, अगेन वी डिड अ होल सेगमेंट ऑन लुई सी के, बिकॉज द रिदम एंड द कमांड ही हैज़ ओवर हिज जोक्स, इट इज़ एक्सेप्शनली वेल. और लुई का जो पूरा जो पर्सनैलिटी है ना, उन्होंने वो अपनी उस शो में दिखाई है, दैट अपसर्ड पर्सनैलिटी
दैट मेक्स लुई सी के यू गेट टू सी इट इन लुई. सो इस जोन के ना बहुत सारे शोज आते हैं, जैसे मैंने स्पेशल मेंशन में रामी बताया, जहाँ पे एक कॉमेडियन अपनी लाइफ के ऊपर एक शो बनाते हैं, साइनफील्ड हो गया, बहुत सारे शोज बनते हैं. बट लुई इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, क्योंकि इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है. You are having a one nice moment and suddenly it stops being a nice moment. And that is how he has shown the absurdity of life in Louis. बहुत philosophical भी है ये show. मैं आज भी मेरी जो clips की एक playlist है TV show clips की, बहुत सारी clips हैं Louis show की इसमें. Where he sits with this CA, where he meets a doctor who gives him like advice on philosophy. Where he meets famous comedians और उनके साथ जो उनकी बातें होती हैं. Where he meets Robin Williams. काफ़ी कुछ है there to admire in Louis. And ये कैसे जगह है जहां पे आप कभी भी फिलॉसफी एक्सपेक्ट करके नहीं जाओगे, बट व्हेन यू विल कम आउट ऑफ द शो यू विल फील लॉट मोर वाइजर की होली शिट यार, दिस इज हाउ लाइफ इज. एंड दैट इज व्हाई लुई इज ऑन नंबर 4 ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट शोज. ऑन नंबर 3 आई हैव अ शो जिसका नाम है सक्सेशन. सक्सेशन इज अ शो मेड बाय जेसी आर्मस्ट्रांग. एंड इसमें केंडल रॉय का जो कैरेक्टर है इज़ वॉट मेक्स द शो सो गुड फॉर मी, दैट ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट शोज में टॉप 3 में है. ये शो एक लाइक डिसफंक्शनल फैमिली के बारे में है, वेयर द पर्सन हु इज़ बिहाइंड दैट फैमिली अ वेरी रिच पर्सन, अ बिलियनियर हु रन्स द वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया कंपनीज इन द वर्ल्ड, इज़ अबाउट टू डाई. और जो बच्चे हैं वो निकम्मे हैं, तो कंपनी किसको दे के जाए. इससे तो चालू होता है शो, बट ये कहीं और ही चला जाता है. द वे दे हैव शोन द ट्रॉमा ऑफ द किड्स बिकॉज ऑफ हैविंग पेरेंट्स हु वर एब्सेंटीज, हु नेवर लुक्ड आफ्टर देम प्रॉपरली. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनेमिक क्रिएट हो जाता है सबके बीच में, सिबलिंग्स के बीच में, फादर सन के बीच में, फादर डॉटर के बीच में, ब्रदर ब्रदर के बीच में, ब्रदर सिस्टर के बीच में. ये एक ऐसा शो है जिसमें 6 या 7 लाइक मेन एक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं. तो जब भी एमी अवार्ड्स आते हैं ना, यू विल गेट टू सी कि हर बंदे को बेस्ट एक्टर या बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया जाता है, हर बंदे को जो भी उस फैमिली के जो मेन लाइक पार्ट है. सक्सेशन ऑल्सो इज़ अ शो जो सीजन 2 में कहीं और ही ले गया था गेम. लाइक अगर सीजन 1 में एंजॉय कर रहे थे, सीजन 2 में बहुत ऊपर ले जाते हैं वो. दिस इज़ नॉट फॉर टीयर्स इज सीजन 2 एपिसोड 10. लाइफ में बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आप उस लेवल पे फील करते हो जैसे आप सीजन 2 एपिसोड 10 का दिस इज़ नॉट फॉर टीयर्स देख के करते हो. एंड या दिस इज़ अ शो दैट आई कीप गोइंग बैक टू. मेरी एक सेफ प्लेस है ये शो. इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं वेयर आई फील अ लॉट ऑफ कम्फर्ट. एंड हाईली रीवॉचेबल शो, हाईली रीवॉचेबल शो. और सीजन 4 आने वाला है, लास्ट ऑफ अस जैसे खत्म होगा सक्सेशन आएगा. HBO का गेम अलग है भाई. सो सक्सेशन इज ऑन नंबर 3 ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट शोज. गाइज नंबर 2 आ गया है एंड नंबर 2 पे है बेटर कॉल सॉल. सो बेटर कॉल सॉल इज अ शो मेड बाय पीटर गोल्ड एंड विंस गिलिगन. ये शो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. आई हैव इनफैक्ट हैड द क्रिएटर ऑफ द शो पीटर गोल्ड ऑन द चैनल ऑल्सो फॉर द 100th एपिसोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेस किया हूँ मैं शो पे. और अगर आपने आज तक ये चैनल फॉलो किया तो आपको पता होगा एक प्रीक्वल बनाना ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज ऑफ ऑल टाइम एक इम्पॉसिबल टास्क होती है. लोग बोलेंगे अभी क्या कर रहे हैं, मतलब जल्दी से वो वाले शो के कैरेक्टर्स दिखाना, ये कहाँ लेके जा रहे हैं. ये बहुत ही अनअपोलोजेटिक शो है. ये शो किसी से डरता नहीं है और ये एक कहीं और ही हमें ले जाते हैं कैरेक्टर सॉल गुडमैन की कहानी में. जब सॉल गुडमैन नहीं होते, हम जिमी की कहानी देखते हैं, जिमी मैकगिल. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जिमी विच हैज़ नथिंग टू डू विद ब्रेकिंग बैड इन द फर्स्ट फ्यू सीजन्स. बेटर कॉल सॉल के जो पहले 3 सीजन है ना, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें एक ब्रदर और ब्रदर के बीच का रिलेशनशिप दिखाया है. चक मैकगिल जो जिमी के बड़े भाई होते हैं. जब मैंने पहली बार लाइक बहुत साल पहले बेटर कॉल सॉल पे एपिसोड बनाया था, मैंने तब भी बोला था नो शो हैज़ डिपिक्टेड लाइक अ ब्रदरली रिलेशनशिप द वे बेटर कॉल सॉल हैज. दिस शो ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटैगनिस्ट किम वेक्सलर, जिनका रोल प्ले किया है रेसी ऑन ने. ये दुनिया का एक सबसे बड़ा हो जाता है ना कभी कभी ये बर्मुडा ट्रायंगल, हमें पता नहीं है क्या है, हमें ये नहीं पता कि एक प्लेन जो हवा में गायब हो गया था वो कहाँ पे है. एक मिस्ट्री रहेगी कि रेसी ऑन आज तक एमी क्यों नहीं जीती. ये उस लेवल की मिस्ट्री है, क्योंकि द वुमेन इज़ परफेक्ट.
लाइक लोगों को, मतलब इट्स नॉट इवन फनी दैट शी हैजंट वन एन एमी अवार्ड. लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम ऑन एनी स्क्रीन, मूवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, कहीं भी चले जाओ, इस लेवल का फीमेल कैरेक्टर नहीं बना. फॉर थिंग्स लाइक दिस, बेटर कॉल सॉल मेरा टॉप टू शोज ऑफ ऑल टाइम में है. बहुत कुछ मिल जाएगा आपको चलचित्र टॉक्स पे बेटर कॉल सॉल के बारे में. सो आप चलचित्र टॉक्स बेटर कॉल सॉल लिखो, यू विल लाइक एंटर अ न्यू यूनिवर्स. बिकॉज यहाँ अगर मैं जस्टिस नहीं करवा रहा, तो ऐसे मत सोचो कि मैंने जस्टिस नहीं किया. बेटर कॉल सॉल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा जस्टिस करने की कोशिश की है, एंड प्लीज़ गो डाउन इन टू दैट रैबिट होल. ओके गाइस, बात आ गई है नंबर वन की. नंबर वन कोई गेस कर सकता है कौन सा है? लाइक अगर लाइक आप ये लाइव नहीं भी देख रहे हैं, तो आप लाइक एक बार कमेंट करोगे कौन सा होगा नंबर वन. सो बता देते हैं, नंबर वन पे एक शो है जिसका नाम है द सोप्रानोस. द सोप्रानोस इज अ शो जिसको बनाया डेविड चेज ने, स्टारिंग जेम्स गैंडोल्फिनी. अब प्लॉट सुनो इस शो का क्या है. एक बंदा जो माफिया में है, जिसको एनजाइटी इशूज़ हैं, जो थेरेपी ले रहा है. क्या प्लॉट है भाई, मतलब आप इमेजिन करो, यू आर गेटिंग टू सी द लाइफ ऑफ अ गाय जो मतलब लोगों को रोज मार रहा है, जाके मर्डर कर रहा है, बट उसको एनजाइटी है, उसको पैनिक अटैक आते हैं और वो जाके थेरेपी ले रहा है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स ऑफ सोप्रानोस. जेम्स गैंडोल्फिनी आज तक के ग्रेटेस्ट एक्टर्स हु एवर लिव्ड में से एक है. एंड इन्होंने आज तक जिस भी चीज़ में काम किया है आपको देखना है, बट वेन यू विल वॉच सोप्रानोज यू विल रियलाइज वाई जेम्स गैंडोल्फिनी इज जेम्स गैंडोल्फिनी. दिस शो हैज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग राइटिंग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. क्रिस्टोफ का इसमें कैरेक्टर है, जो जेम्स गैंडोल्फिनी की वाइफ होती है, टोनी की वाइफ होती है, कार्मेला सोप्रानो. ओ हो हो, वॉट अ कैरेक्टर. पॉली, सिल्वियो, हर बंदा यार, लाइक आप इस पर मतलब लाइक सब पे एक नॉवल लिख सकते हो, लाइक इन रिगार्ड टू हाउ मच यू कैन लर्न फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स. सोप्रानोज मेरे को एक और रीज़न की वजह से बहुत पसंद है, द वे द शो डिपिक्स ड्रीम्स ऑन स्क्रीन. मेरे को लगता है ये कोई और नहीं कर पाया है आज तक. दे आर सो रियल, दे आर सो अपसर्ड, दे आर सो लिंचियन. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप देखोगे कि होली शिट यार, मेरे को भी ऐसे ही सपने आते हैं. एंड दैट इज़ वॉट समथिंग, एक छोटी सी चीज़ है, बट ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें दैट दिस शो हैज़ डन राइट. मैंने जैसे बोला था ना, ब्रेकिंग बैड अगर मैं बोलूँ, वो BC टू AD इवेंट था लाइक टीवी के इतिहास का. सो जहाँ पे कैलेंडर रीस्टार्ट हुआ था, सो द सोप्रानोज को आप ऐसे मान लो वो BC इवेंट था जहाँ पे कैलेंडर स्टार्ट हुआ था. एंड दिस इज़ द इम्पैक्ट दिस शो हैज़ हैड ऑन द होल ऑफ पॉप कल्चर. सोप्रानोज अगेन इज वन शो जिसके एंडिंग के बारे में बहुत सोचता हूँ, पूरी दुनिया सोचती है. एंड दैट एंडिंग मेड श्योर दैट यू नेवर स्टॉप बिलीविंग. एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंडिंग्स ऑफ ऑल टाइम. सो बहुत सारी चीज़ें हैं यार सोप्रानोज में. आप बहुत लाइक इंसान ही बदल जाओगे जब तक आप सोप्रानोज शो ख़त्म करोगे. देर इज़ अ रीज़न वाई पीपल कॉल इट द ग्रेटेस्ट शो एवर मेड, एंड फॉर मी आई बिलीव द सेम. इट इज़ ऑन नंबर वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम. कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे बताइए. एंड लाइक आपके लिए पूरा चलचित्र का पुराना वाला सेटअप किया. एंड आपको दो चीज़ें करनी है मेरे लिए. एक तो जो मैंने आपको ऐप बताई एपिसोड के बीच में, नोकियो, आपको जाके देखनी है, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है उसका. दूसरा, आप कमेंट में अपनी टॉप 10 या टॉप 20 की लिस्ट लिखो ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज एवर मेड, एंड लाइक सम सेलेक्टेड वंस वील ऑल्सो पुट अप ऑन इंस्टाग्राम. सो येस, दिस इज इट गाइज. डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस, जहाँ पर मैं ऐसे वनीला स्टाइल में आके पास बातें कर रहा हूँ. And yes, with that, we'll end the episode and I'll see you guys soon.